हे एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। मैं हेमा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने जन्मदाज अधिकारी ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? मैं काफ़ी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। आप आशा करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। ठंड के दिन बढ़ने लग गए हैं, सो हम भी पैक हो चुके हैं अच्छे से। सुबह के टाइम पर ज़्यादा ठंड होती है ना, क्योंकि सुबह काम वाम भी सब कुछ होता है, झाड़ू पोछा लगाना, तो ठंड भी उस हिसाब से बढ़ती रहती है। तो सुबह फिट रहना आप लोगों की, बिल्कुल पैक होकर रखना, ताकि ये सर्दी आप लोग को ना लगे, जुखाम उखाम ना लगे और आप लोग स्वस्थ रहे। सो आज के दिन की शुरुआत करते हैं चमचमाती धूप के साथ मेरे साथ, और अब अंदर चलेंगे। आज अब जाड़ों के दिन आ गए हैं। जाड़ों के दिनों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं ना, तो बोलते हैं कि अब चावल और रोटी साथ में बना लो। सो हम वही कर रहे हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा दिन में इतना टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा। अब भी हम नाश्ता करके 11 बजे तक नाश्ता करके बैठते हैं, फिर हमारा वही 1 बजे उठो और लंच बनाओ हो जाता है। वो हमने सोचा कि दिन में कुछ और वैसे ही खा लेंगे बना के, और अभी हम सुबह आज चावल और वो साथ बना लेते हैं रोटियां, तो आज यही कर रहे हैं। आज सुबह सुबह ज़्यादा ही काम हो गया था। अभी मिस्टर जी गए सुबह, उनके लिए खाना पीना बनाया, फिर उसके बाद अब मैं सुबह से आज मैं झाड़ू पोछा किया मैंने, उसके बाद मैं किचन पर ही हूँ। अभी मैं फ्री होके आई, 8:30 हो रहा समथिंग, तो मैंने कहा अपना इंट्रो शूट कर लेती हूँ आप सभी के साथ। दिन की शुरुआत कर लेते हैं, सूर्य जी को नमन कर लेते हैं और पूजा पाठ तो अभी हो जाएगी हमारी। अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं आज हम क्या कर रहे हैं, 8 दिन भर में क्या होता है। सो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहना, स्किप नहीं करना। आप लोग वीडियो को देखोगे, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। चलो अब ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए दिन की शुरुआत करते हैं, अपने डेली ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। में बन रही है हमारी गोभी की सब्जी, और आप देख रहे हो मैंने अपना सारा काम निपटा चुकी हूँ। उसमें चावल रखे हैं, उसमें दूध गर्म करके, ये अभी दाल के लिए पेस्ट वगैरह है, और मेरे इसके हालत देख रहे हो, ये ऐसे रखा हुआ था यहाँ पे, सोया ऐसे हो रहा है, ये गंदा नहीं, और रोटियाँ तैयार हैं। फिलहाल सब्जी बन रही है, सब्जी का इंतज़ार करते हैं, फिर बनाएंगे हम और सब्जी। आ जाइए आप सभी भी नाश्ते में हमारे साथ। आप सभी को मैं नाश्ते में निमंत्रण देती हूँ अपनी तरफ से, आप लोग नाश्ते में आइए। अभी सब्जी पकने में टाइम है, तब तक आप निकल जाइए अपने घर से हमारे हल्द्वानी के लिए। हे, अभी मैं अपने रूम पे हूँ, अभी दिन के 11 बज रहे हैं, और अभी हमें एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली, हमारे रिलेटिव आने वाले हैं। अब कौन आने वाले हैं वो भी आप खुद देखोगे, तो उनके लिए हम कुछ तैयारी करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमने आज हमारा ऐसा लग कि आज हमने सुबह ही नाश्ता के साथ लंच भी सब मिक्स साथ में कर लिया एक साथ। तो अब हम, मैं और ईजा दोबारा से दिन के लंच की तैयारी करते हैं, हमने आज ही फ्री नहीं बैठना है। हम अभी बाहर चलते हैं और अपने कुछ बनाते हैं। जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, आप उनसे मिलोगे खुश हो जाओगे। और आपने मेरी वीडियो में देखा है उनको पहले भी, इतना आपको हिंट दे देती हूँ। और अब चलते हैं बाहर को। यहाँ पर हम कब से गमले लाए थे, तो हमने सोचा आज गमलों में गोबर और मिट्टी भर के इसमें फूल लगाए जाए, तो मैं और ईजा उसी काम पे लगे हुए। आज हम लगाएंगे गमलों में फूल छोटे छोटे से, सो उसके लिए फटाफट से इनमें मिट्टी भरते हैं और गोबर इसमें मिक्स है। आइए, आपका इंतजार था। तो हमने कहा इस बार आपको लेंगे अपना ही। आप जानते हो इनको, आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा। सो आइए, आपका स्वागत है। अरे धन्नो को यहाँ लगा देते, उनके आने में टाइम है बहुत अभी। हाँ, ये धन्नो है, ये धन्नो है, इसके बगल में आपके धन्नो। रहना भी ना, तो यहीं पर रहना। और जी, सर जी क्या हाल है? नमस्कार। नमस्कार।
तो जैसे मैंने आपसे कहा था हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट, वो है हमारे जीजा जी। आपने मेरे वैष्णो देवी ट्रिप में इनको देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वो ब्लॉग देख लेना। सो जीजा जी कैसे हो आप? तो ठीक है, दिल्ली से काला ढूंढी का सफर बड़ा ही सुहाना और आए हैं दिल्ली से स्कूटी में है? अपना नंदी की सवारी लेकर के जो है चले आए धीरे धीरे और पहाड़ की ओर। ये पहाड़ियाँ बुलाते पहाड़ थी हम पहाड़ बुलाने चाहे हम लोग। और सब भला है रे? ठीक है हरी, सब ठीक है हरी। आप लोग ना सब ठीक है नाल? खाड़ पीट खाला पे आई हो? जय भात हूँ, जय भात खाला। हम लोग दाल बनाए और आज जिया जी हमारे क्या लाए हैं? अच्छा दिखाने वाली चीज नहीं है, प्राइवेट है। और ये मिठाई स्पेशल हल्द्वानी से आ रखी है, स्पेशल मिठाई। खोल पे दिखा दूंगी पे सबको, सब सब खा रहे हम लोग। घर वालों देख रहे हो मेरे, मेरी फेवरेट मिठाई। धन्यवाद इसके लिए आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जिया जी आए हमारे लिए, अच्छा हो गया। अब मैं इसको खा लेती हूँ, उनको पानी आ रहा है मुँह में, ऊपर से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अब हम जिया जी के लिए बनाते हैं फटाफट से खाना, जिया जी को खाना मैम खाते हैं, फिर करते रहेंगे कब से आगे को, मिलते रहेंगे जिया जी के साथ, मिलना रहो मिलने रूल, बात करने रूल, बस ओके योर दिन भेटने रूल। चलो अब किचन में ईजा बना रहे हैं खाना और यहाँ पे आ रही है दी की वीडियो कॉल, दी से तुम मिला दो। पहुंच गए हैं जिया जी पहुंच गए हैं। कहाँ कह रहे हो? मैंने नहीं सुना। चलो अब ईजा बना रहे खाना, हम ईजा की मदद करते हैं, थोड़ा फटाफट से खाना बनाते हैं, फिर जिया जी के साथ फिर गपशप मारते रहेंगे। तो एक घंटे के लिए जिया जी आए थे घर पे, अब जिया जी की वापस भी होने लग गई है, इसलिए इन्होंने धन्नो अंदर नहीं लगाई। हमने सोचा कि आज रहेंगे यहाँ पे है, तो यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है, दो दिन बाद फिर वापसी होगी, दो दिन के बाद फिर अपडेट होंगे जिया जी आपके। हाँ बाय बाय, मिलते हैं कुछ दिन में। नीचे 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 नीचे, चलो ईजा उनसे बाय बोलो। ईजा उनसे बाय बोलो नहीं, ईजा बोलेंगे, ईजा बाय बाय बोलेंगे। चलो जिया जी आप जाने लग गए हैं, शाम का टाइम हो गया है, चाय पानी हो गई है। हाँ आप जा रहे हो छोड़ने? पैदल पैदल? ये हमारा स्कूटी वाला रास्ता, बादल लगे हैं आज हल्के हल्के से, मौसम शाम का वक्त है। अब यहाँ से आज मौसम ऐसा हो रहा है काफ़ी अच्छा है, बादल भी लगे हैं, शाम का वक्त है। और वहाँ पे चल रहा है वो अभी खेत में ना, वो ट्रैक्टर है। हाँ करती हूँ उन्हें फ़ोन, वो सुबह अभी उसमें खोद रहे हैं उसे, ट्रैक्टर से वहाँ पे जुताई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आज सुबह वो लोग कर रहे थे, इसमें गोबर डाल रहे थे सुबह। बहुत मतलब होता है ना, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत मतलब यहाँ के जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, कहते हैं ना कि शहर में रह के भी लोग काम नहीं करते, ये नहीं करते हैं, बट इतना है। मैं पहाड़ में थी आज तक तो मैंने इतना देखा नहीं था, बट यहाँ भी लोग काफ़ी खेती करते हैं, काफ़ी इतने बड़े बड़े लोगों ने खेत लगा रखे हैं, चाहे ट्रैक्टर से काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ट्रैक्टर वगैरह चलता है नहीं, तो वहाँ पर हाथों से ही, यहाँ पर इतने बड़े बड़े खेत हैं, लोग करेंगे भी कैसे। तो काफ़ी अच्छी सुविधा वगैरह बना रखी है। अभी सुबह अंकल जी और आंटी जी उसमें गोबर डाल रहे थे अपने खेत में, और उन्होंने छोटे छोटे पपीते के पेड़ लगा रखे हैं, जिसमें पपीते हो भी रखे हैं उनके, हमारे तो ये पपीते के पेड़ लगे हैं, और हमें काफ़ी पपीते खा भी चुके हैं, ये भी आपने देखा। और इसको अभी जाने वो चिड़िया लोग खा जा रहे थे, तोते छोटे छोटे खा जा रहे थे, तो उसकी वजह से ईजा ने इनको वो कर दिया। और हम भी खेती करते हैं, ऐसा नहीं है, हमने भी अपने खेत में लगा रखे। आज हमने इसमें गमले भरे इनसे, अभी इसमें छोटे छोटे जो आप देख रहे हो ये गोबर डाल रखा है वो आंटी जी लोग उनके वहाँ से। और यहाँ पे हमारी हो रही है लहसुन, लहसुन भी हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है जैसे आपने देखा। और अब शाम का टाइम हो गया है, जी आजी वो वहाँ पर पहुँच गए हैं,
आपको दिखाऊं? आपको दिखाऊं? मैं खुद अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ, आप क्या दिखोगे। सो अब जिया जी भी चले गए हैं, अब हम शाम की तैयारी करते हैं खाने की। मिस्टर जी के आने का भी टाइम हो रहा है और मौसम का मज़ा लीजिए थोड़ा देर, मौसम का आनंद लीजिए। आपको अब मौसम दिखाती हूँ मैं। आज आंटी जी आई हैं घास निकालने के लिए, घास में जो दाने हैं बीज है उसको निकालने के लिए, उनकी हेल्प कर रही है हमारी माता श्री। वो भी लगे हैं उनके साथ। इधर दिखाओ बीज इसका, इमी छह नहन जाओ। ये है इसका बीज, ये है मकई की घास, इसे ये आपको डेयरी में भी मिल जाएगी। चेरी घास नहीं, मकई घास। ये अभी सारी घास निकालेंगे इसे, ये बड़ा सा फैलाते ना यहाँ पे, इसे फिर मड़वे ऐसा कूट देते तो सब निकल जाता। शाम के वक्त का मौसम ऐसा हो रखा है अभी। उनको करने देते हैं उनका काम। और यहाँ पे आज भी खेतों में पानी लगा है, मैंने आपसे बोला था पिछली बार भी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं खेतों पे। अभी आपने देखा था वहाँ पे भी काम चल रहा था, यहाँ पे भी अभी खेतों में पानी लगा रखा है ऊपर से, ताकि घास अच्छी हो, अच्छा बीज दे। सो गाइस, सब कुछ काम हो गया आज दिन भर का, काफ़ी अच्छा दिन रहा। आई होप आप लोग का भी काफ़ी अच्छा दिन रहा होगा, आप लोगों ने भी काफ़ी आज दिन भर में मस्ती की होगी, स्वस्थ रहे होंगे। अब आज के दिन को मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको मिलूँगी नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो लेके। सो प्लीज़ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नए दिन में नए ब्लॉग के साथ।